and my dear NEET aspirants, today we are going to start the next topic, that is platyhelminthus. तो बच्चों प्लेटी से प्लेट, अब ये जो प्लेट होती है तो आपने प्लेट का जो आकार है देखा होगा कि दोनों साइड से प्लेट फ्लैट होती है ना, तो डोर्सो वेंट्रल जो होती है प्लेट की जो शेप होती है वो होती है फ्लैट। तो जो प्लेट होती है इसका मीनिंग क्या हुआ, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। तो जो प्लेटी हेलमिंथस हो गए तो ये हो गए डोर्सल वेंट्रली फ्लैट, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्लैट होम्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैट होम्स, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्लैट होम्स। ओके, तो पी से पैरासाइट और पी से प्लेटी हेलमिंथस। तो जितने भी प्लेटी हेलमिंथस होते हैं मोस्टली जो होते हैं दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट, इवन इन ह्यूमन बॉडी, एग्जाम्पल हो गया यहां पर टेफ बॉम। ओके बच्चों, इसको हम बोलते हैं टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम। और देखो इसका भी नाम पी से ही है, जिसको हम बोलते हैं पोर्क टेफ बॉम। इसके अंदर हमारा जो पी लेटर है वो बहुत कॉमन है। ओके जैसे P फॉर प्लेट हो गया, P फॉर पैरासाइट है ना, और P फॉर पोर्क टेपवॉर्म। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है बच्चों, प्राइमरी होस्ट वो कौन है, तो प्राइमरी होस्ट इसमें होता है ह्यूमन बींग्स। जो लोग पोर्क खाते हैं तो उसके अंदर इसका इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर मैं बात करूं बच्चों सेकेंडरी होस्ट की, तो सेकेंडरी होस्ट इसका कौन होता है, सेकेंडरी होस्ट इसका होता है पिग। ओके ये होता है पिग। तो एग्जांपल नंबर सेकंड, इसको हम बोलते हैं फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका। तो इसका जो सेकंड नेम है उसको हम बोलते हैं लिवर फ्लू, लिवर फ्लू। ओके तो बेटा ये क्या होता है, इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है टेप फेसियल हेपेटिका का, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। तो यहां पर रहेगा शिप एंड गॉट, ठीक है, और जो सेकेंडरी होस्ट है इसका वो रहेगा यहां पर ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन्स को इसका इन्फेक्शन हो जाए लीवर फ्लू का, तो ये लीवर में जाके लीवर को डैमेज कर देती है, उसको बोलते हैं लीवर रोग डिजीज, और इसका नाम होता है फेसोलिसिस, उसको हम बोलते हैं। ओके तो फेसियोला हेपेटिका जो होता है तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, और बहुत सारे इसके अंदर लार्वल स्टेज होती है। तो वो लार्वल स्टेज कौन कौन सी है, तो हमें ये याद रखनी है इसके अंदर लार्वल स्टेजेस कौन कौन सी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो उसको याद रखने के लिए आप याद रख लेंगे यहां पर MSRCM, कुछ भी नाम बन सकता है MSRCM से, वो आप लोग देख लेना। तो M फॉर मेरासीडियम, मेरासीडियम ये फर्स्ट स्टेज है इसकी लार्वे की। सेकेंड एज स्पोरोसिस्ट। थर्ड वन एज रेडियाई, एंड फोर्थ वन एज रेडियाई के बाद, आफ्टर रेडियाई सर्केरिया। ओके एंड देन मेटा सर्केरिया। तो इस तरीके से इसकी पांच स्टेज होती है लार्वल स्टेज, और ये पांचों की पांचों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी होस्ट हो गया और ये हो गया सेकेंडरी होस्ट। ओके
बच्चों इसके अलावा एक होस्ट और होता है इसका, और उसको हम कहेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट। ओके, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट होस्ट। और वो कौन होता है? दैट इज स्नेल्स। हमने पहले बात की थी टेपवॉर्म की, इसको मैंने कहा टेनिया सोलियम और पोर टेपवॉर्म। इसका प्राइमरी होस्ट हो गया ह्यूमन बींग्स एंड सेकेंडरी होस्ट इज पिग। तो ह्यूमंस के अंदर ये एक डिजीज कॉज करता है टेपवॉर्म, और उसका नाम होता है टेनियसिस। टेनियसिस, ठीक है। तो जो लोग जो पोर्क को खाते हैं या बीफ खाते हैं जो लोग, तो उनको ज्यादातर बीमारी होती है। तो बच्चों अब हम करेंगे प्लेटी हेलमिंथस में जो पेरेस्टिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लेटी हेलमिंथस दो तरह के होते हैं, एक फ्री लिविंग एंड सेकेंड इज जो होते हैं एंडोपेरासाइट। अब वो एंडोपेरासाइट जो होते हैं तो उनके अंदर कुछ खास फीचर्स होते हैं, तो वो खास फीचर्स कौन कौन से हैं? सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ओके। सेकेंड पॉइंट हो गया लॉस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। थर्ड पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो ये एब्जॉर्प्शन करता है बच्चों, ये वो करता है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। तो कैसे खाता पीता ये? तो एब्जॉर्प्शन बाय देयर जनरल बॉडी सरफेस। क्योंकि पैरासिटिक फॉर्म है, तो लेकिन जो दूसरी फॉर्म होती है, जो फ्री लिविंग फॉर्म होती है, तो उनके अंदर ये होता है इनकम्प्लीट। तो मैं ये पॉइंट नोट कर देता हूं यहां पर, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्री लिविंग फॉर्म। ओके, जैसे उसका नाम है प्लेनेरिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पी इज कॉमन, तो उसका नाम है बेटा प्लेनेरिया, जिसको हम डुजेसिया बोलते हैं, डुजेसिया, है ना। तो इसमें खास बात क्या होती है? इसमें दो खास बात होती है, एक तो इसमें होती है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज फर्स्ट आई डेवलपमेंट इसी में हुआ था, सकर्स एंड हुक्स। तो सक्कर और हुक्स पाए जाते हैं बच्चों पेरिस्टिक फॉर्म के अंदर। किस काम के लिए? ये किसके लिए होते हैं? फॉर टू सक द ब्लड और फ्लूइड को या ब्लड को सक करने के लिए, खाने पीने के लिए क्या करते हैं? ये यूज करती है सक्कर्स और हुक्स का। और टू अटैच द सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन, ओके। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है किसके अंदर? पेरिस्टिक फॉर्म के अंदर, ओके। तो इनमें होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूं फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर, तो वहां पर रेस्पिरेशन एरोबिक होता है। एंड द सिक्स पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिस्टम इनमें होता है वेल डेवलप्ड। जो इनकी बॉडी कवरिंग ये होती है रेजिस्टेंट टू
रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये कुछ पैरासिटिक फीचर्स है बच्चों, जो पैरासिटिक फॉर्म होती है, जैसे कि लेवर फ्लू और टेनिया सोलियम। तो बच्चों हम बात करेंगे इसके जनरल फीचर्स की। तो सबसे पहले इसमें आता है जो इसकी सिमेट्री होती है बच्चों, वो होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल एसिलोमेट्स, एसिलोमेट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनके अंदर सिलोम नहीं होती है, नो सिलोम, नो सिलोम। ओके, और ये पहले ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, उसको हम कहेंगे ट्रिपलोब्लास्टिक, ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल्स। तो बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ हैविंग थ्री जर्म लेयर्स, थ्री जर्म लेयर्स। ओके, और ये फर्स्ट एनिमल्स ऐसे हैं जो ट्रिपलोब्लास्टिक हैं, फर्स्ट ट्रिपलोब्लास्टिक। तो मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं, ये फर्स्ट ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, फर्स्ट। तो अब इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं कि ट्रिपलोब्लास्ट का यहां पे मीनिंग क्या हुआ। तो सबसे बाहर की जो लेयर हुई वो हुई एक्टोडर्म। ओके, एंड द मिडल लेयर इज मेजोडर्म, और जो सबसे अंदर होती है उसको हम क्या कहेंगे यहां पर, एंडोडर्म। ओके, और बीच में होता है गट, गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों यहां पर कहीं पर भी आपको सिलोम नजर नहीं आ रही है। तो ये जो मैंने आपको बोला कि नो सिलोम, तो ये उसका आपको मैंने आपको डायग्राम बनाया है, क्योंकि सिलोम अगर बनती है तो वो बनेगी मेजोडर्म की स्प्लिटिंग से। फोर्थ पॉइंट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों अभी तक किसी के अंदर भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया था, तो सबसे पहले ये इसी में डेवलप हुआ है। तो लिखेंगे फर्स्ट डेवलप, फर्स्ट डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसके अंदर रेस्पिरेशन। ओके, तो ये होता है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। किसके अंदर, इन फ्री लिविंग फॉर्म्स। ओके, इन फ्री लिविंग फॉर्म्स, फ्री लिविंग्स के अंदर। तो ये एरोबिक और एनएरोबिक दो तरह का हो गया। तो इसमें हो गया बच्चों ये एरोबिक, ठीक है, और रहेगा एनएरोबिक। ये आपको मिलेगा एनएरोबिक इन पैरासिटिक फॉर्म्स, पैरासिटिक फॉर्म्स में रहेगा बच्चों ये एनएरोबिक। एग्जांपल हो गया टेपवॉर्म और लीवर फ्लू, लीवर फ्लू। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन होता है विद द हेल्प ऑफ सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स। और इनका एक नाम और होता है, इनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, और इनको हम बोलते हैं बच्चों प्रोटो नेफ्रिडिया। इसमें पी कॉमन हो गया। और जो ये सेल्स होती है बच्चों, ये होती है स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये होती है स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स हेल्प करती है एक्सक्रीशन के अंदर, और हेल्प करती है बच्चों ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। तो एक पॉइंट हम इसमें और डाल देते हैं, और हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, एट्थ पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे इसके
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ओके तो मोस्टली इसके एनिमल्स होते हैं बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मींस बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, ओके। लेकिन इसके अंदर अब यहां पर दो कंडीशन है, अब वो दो कंडीशन कौन कौन सी है, एक तो हो गया क्रॉस फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ किसमें होता है, इसका एग्जांपल हो गया टेपवॉर्म और प्लेनेरिया और लेवर फ्लूक के अंदर होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसका जो सिस्टम होता है ये होता है वेल डेवलप्ड। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसका जो हो गया है ये हो गया यूनिक फीचर। तो बच्चों इस पॉइंट पे जरूर फोकस करना आपने कि इसके जो यूनिक फीचर कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और इधर हमने बात की थी जो एक्सक्रीशन के अंदर यूज हुई थी यहां पर फ्लेम सेल्स, तो ये भी इसका हो गया यूनिक फीचर्स। तो यूनिक फीचर्स के बारे में हमने इसमें जरूर ध्यान रखना है। एक पॉइंट जो है इसके अंदर बच्चों नर्वस सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो गया, और वो था लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो एक लास्ट पॉइंट और हम करेंगे, जो बच्चों इसमें होता है फर्टिलाइजेशन तो वो होता है इंटरनल, इसमें रहेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या हुआ इसका कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी में होगा यहां पर फर्टिलाइजेशन। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।